हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, दुबई आने वाले 4 यात्री गिरफ्तार हो गए। क्यों, किस लिए, क्या कारण था, जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, दुबई का जो वर्क वीज़ा है वो कंपनी डायरेक्ट आपको देती है। वर्क वीज़ा यहाँ आके लगता है, कंपनी आपको एंट्री परमिट भेज देती है जिसमें कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है। कंपनी के एंट्री परमिट में आप लोग यहाँ पे आते हैं। तो देखिए, ये जो 4 लोग यात्रा कर रहे थे वो एक एजेंट के थ्रू आ रहे थे, यानी कि उनकी जो होम कंट्री है वो इंडिया है। इंडिया में किसी शहर के एजेंट ने उनसे कहा था कि दुबई में वो आपकी जॉब लगा देंगे। तो दुबई में जॉब लगाने के बाद वो लोगों ने बोला कि हम विजिट वीज़ा में नहीं जाएंगे, हमको कंपनी का वीज़ा चाहिए। तो कंपनी का वीज़ा ना देकर उसने एंट्री परमिट उनको दिखा दिया। एंट्री परमिट और वर्क वीज़ा दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। एंट्री परमिट में कंपनी का नाम, जो कंपनी ने स्पॉन्सर किया था उसका नाम देख के ही वो लोगों ने सोचा कि चलो सही है। तो वो एंट्री परमिट लेकर आ गए। दुबई आने के बाद जब उनका इमिग्रेशन हो रहा था तब फिर उनको पता चला कि इस नाम की जो कंपनी है वो बंद हो गई है। उन्होंने ना किसी से कांटेक्ट किया यूएई में, ना गूगल में सर्च किया। यहाँ पे क्या होता है, किसी कंपनी का नाम आप लोग अगर वर्किंग टाइम पे गूगल में फिल करते हैं तो वो कंपनी का नाम आ जाता है, ओपन है, क्लोज है, क्या है, रिव्यूज़ है, सारी चीज़ें आपको दिखा देती है। तो एटलीस्ट एजेंट जो कंपनी का नाम आपको दे रहा है, आप लोग तो गूगल कर सकते हैं उसको, एटलीस्ट गूगल कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि ये कंपनी कैसी है, क्या लोकेशन है इसका, कहाँ पर है, ओपन है, क्लोज है, वर्किंग टाइम क्या है, इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, क्या है। कुछ भी चेक नहीं किया, एजेंट को भी लाखों लाखों पैसा इन्होंने दे दिया। यहाँ आने के बाद ये लोग फंस गए इमिग्रेशन में। और देखिए, यहाँ आने के बाद अगर आप फंसते हैं तो वो लोग इमिग्रेशन वाले तो आपको ही पकड़ेंगे, आपके एजेंट को नहीं पकड़ने चाहेंगे, ठीक है। आपको अलग से रखा गया, वहाँ पे बैठाया गया, पूछताछ की गई, इंडिया एम्बेसी में इंडिया कॉन्सुलेट जो यहाँ की है वहाँ पे कांटेक्ट किया गया कि इनका क्या किया जाए। उसके बाद का तो प्रोसेस सारा होता ही होता है। लेकिन ऐसे गलत सलत वीज़ा लेके, गलत सलत एंट्री परमिट्स लेके जो कंपनी यहाँ पे है ही नहीं, बंद हो गई है, ऐसे जो हो रहे हैं ना, बहुत ऐसे एजेंट्स हैं जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उनके पास पूरी छपी छपी वीज़ा होती है, ये होती है, वो लोग उसको दे के इंडिया एयरपोर्ट में पकड़ भी नहीं पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जब दुबई आ जाते हैं आप लोग इमिग्रेशन में, क्योंकि उनके पास सारे डेटाज होते हैं, क्या कंपनी है, कौन आपको स्पॉन्सर किया, क्या है, सारी चीज़ें उनके पास होती है, तो वो लोग ईजिली इस चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एजेंट से वीज़ा ले रहे हैं, कोई भी एजेंट आपको यहाँ पे काम दे रहा है, तो पैसे देने के बाद, पैसे देने से पहले सारी चीज़ें पता कीजिए कि उस एजेंट से पहले कोई गया है कि नहीं गया है, पहले कितने लोग जा चुके हैं, उनकी जॉब सही सही उन्होंने लगाई है कि नहीं लगाई है। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो खुद होता है कि विजिट वीज़ा में आइए, खुद जॉब सर्च कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो किसी रिलायबल एजेंट के पास जाइए जो दुबई में, आबू धाबी में, शारजा में या अलग GCC में, अलग जगह आपको जॉब दिला सकता है या दिलवाता है। बहुत लोग, बहुत कैंडिडेट्स उनके पास से आए होते हैं, ठीक है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।